सागर जिले के कोडेकोसे चौकी में सहायक आरक्षक पद पर पदस्थ जवान मनोज नेताम 5 दिनों से लापता है। जानकारी के मुताबिक जवान 28 अप्रैल की ड्यूटी के दौरान से लापता है। उनकी बाइक राजनांदगांव के सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम भुरके के जंगल में मिली है। पुलिस नक्सलियों के द्वारा अपहरण किए जाने के एंगल से भी जाँच कर रही, हालांकि अभी तक लापता जवान को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। नेताम करके सहायक आरक्षक था जो उसी क्षेत्र का रहने वाला था। 28 तारीख सुबह थाने से बिना बताया गया, 2 दिन बाद उसकी मोटरसाइकिल रानवाही है और उसके बीच में मिला है और जवान का अभी तक पता नहीं। वैसे उस क्षेत्र में सक्रिय तो नहीं है नक्सली, बाहर के अंदर से पता कर रहे हैं कि कोई दुश्मनी ले गए हैं, खुद गया है या कुछ नक्सली वारदात है, तो हर पता कर रहे हैं। ये राजनांदगांव बॉर्डर का मामला है, तो राजनांदगांव पुलिस।